कैसे हैं आप लोग, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप लोग को राधे राधे। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो चलिए आज के हम मज़ेदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा ये टेस्टी एकदम देखने में लग रहा है। तो ऐसे ऐसे नए वीडियोज़ के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके रखें, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो यहाँ पर पत्ता गोभी रोल बनाने के लिए हमने सबसे पहले ये पत्ता गोभी के पत्ते इस तरीके से अलग कर लिया है। इस तरीके से आप इसको अलग कर लेंगे। उसके बाद हम इसे बॉईल करेंगे। यहाँ पे हमने पानी उबालने के लिए रख दिया था, पानी हमारा उबल रहा है, तो हम इसमें पत्ता गोभी के पत्ते डाल देंगे। इस तरीके से हमें डालकर इसको उबाल लेना है, थोड़ा सा 3 से 4 मिनट, जिससे ये हल्के से सॉफ्ट हो जाए, इतना हमें इसे उबाल लेना है। इसे हमें सॉफ्ट होने तक उबालना है। जब ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा तब तक इसे उबाल लेना है। अब पानी अच्छे से उबल गया है और पत्ता गोभी भी सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम इसको निकाल लेंगे। इस तरीके से हमें इसे निकाल लेना है। हमने यहाँ एक पैन में 2 से 3 टेबल स्पून तेल लिया है। अब हम इसमें डालेंगे जीरा। तेल हमारा गर्म हो चुका है। जीरा डालने के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी सरसों। इसका एक बार अच्छे से तड़का लगा लेंगे। इसे हल्का सा लाल होने के तक भून लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्च और अदरक। इसे हमने बारीक कट कर लिया था। इन सबको भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे प्याज और इसे लाल होने तक भून लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हरी मटर। हरी मटर को 1 से 2 मिनट भून लेंगे, जिससे थोड़ी सी पक जाए। मटर अब हमारी भून चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी सब्जियां। तो यहाँ पे हमने शिमला मिर्च और गाजर को इस तरीके से काट लिया है छोटे पीस में। इसे डालकर हम इसे भी भून लेंगे थोड़ा सा। सब्जियां हमारी थोड़ी सी भून चुकी हैं। अब हम इसमें सारे मसाले डालेंगे। तो यहाँ पे हम लेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर 1/4 टेबल स्पून, 1/2 टेबल स्पून यहाँ पे लेंगे धनिया पाउडर, यहाँ पे थोड़ा सा जीरा पाउडर 1/4 टेबल स्पून, और यहाँ पे डालेंगे 1/2 टेबल स्पून अमचूर पाउडर। इन मसालों को हम भून लेंगे 1 से 2 मिनट, जिससे मसाले जो हैं अच्छे से पक जाएं। स्वाद अनुसार यहाँ पे नमक ऐड करेंगे। इन सबको हम मिला लेंगे। 1 मिनट तक पका लेना है सबको। मसाले हमारे अब अच्छे से पक चुके हैं। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे आलू। तो हमने पहले से उबाल कर यहाँ पे रख लिया था 2 मीडियम साइज के आलू। अब हम आलू को ऐड इसमें मिक्स कर लेंगे मसालों के साथ, और इसे 1 से 2 मिनट तक हमें भून लेना है। आलू हमारे मिक्स हो चुके हैं मसालों के साथ, और थोड़ी देर हमने इसे भून भी लिया है। इससे मसालों का जो टेस्ट है वो काफ़ी अच्छे से आने लगता है। तो यहाँ पे आलू को हमने 1 से 2 मिनट भून लिया है। अब हम इसमें डालेंगे हरी धनिया पत्ती। इसे डालने के बाद हम अच्छे से मिला लेंगे। अब हमारा मसाला जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। मसाला कितना टेस्टी है बनकर तैयार हो चुका है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और मसाले को ठंडे होने के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम चलते हैं अब पत्ता गोभी का बैटर जो तैयार कर लेते हैं। तो हमने 2 कप के करीब बेसन लेना है। उसके बाद हम इसमें नमक ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे डालेंगे 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर। पानी डालकर इसका एक हमें गाढ़ा सा बैटर बना लेना है। तो इस तरीके से हमारा बैटर जो एकदम रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। बस इतना ही गाढ़ा इसे बनाना है, इससे ज़्यादा पतला नहीं करना है। तो बैटर अब हमारा बन चुका है। चलते हैं रोल बनाने के लिए। यहाँ पे हमने जो बॉईल करके पत्ता गोभी लिया था उसको ले लिया है। उसके बाद हमें इस तरीके से इसे रोल कर लेना है। इस तरीके से आपको इस पे रोल करने के बाद इस पे हम यहाँ पे जो थोड़ा सा बैटर बनाए थे उसको इस पे लगा देंगे, जिससे किनारों पे चिपक जाए अच्छे से। तो इस तरीके से रोल करके हमें इसको लगा देना है। तो इस तरीके से आपको सारे पत्ता गोभी के पत्तों का इस तरीके से रोल बना लेना है। आप देख सकते हैं हमारा जो रोल है वो एकदम तैयार हो चुका है बनके। अब हम इसको जो हमने बेसन का ये बैटर बनाया था इसके अंदर हम रोल करके अब इसे फ्राई करेंगे। तो इसे हमें इसके अंदर डाल लेना है इस तरीके से। उसके बाद इसके ऊपर हमें इसकी बेसन की कोटिंग करनी है। कोटिंग करने के बाद अब हम इसको चलते हैं फ्राई करने के लिए। इस तरीके से आप कोटिंग करके फिर इसको देख सकते हैं। इस तरीके से हमें इसे फ्राई कर लेना है। तो चलिए चलते हैं फ्राई करने के लिए। तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालते हैं रोल को। तो इस तरीके से हमें इसको फ्राई कर लेना है। हमने सारे रोल को इसमें डाल दिया है सावधानी से लेयर लगा के। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो देख सकते हैं आप ये फ्राई हो रहा है। तो इसे हमें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। अब हम इसे पलट के दोनों तरफ अच्छे से पका देंगे। तो इस तरीके से हमें पलट लेना है सावधानी से। सबको हम दोनों तरफ से पलट के अच्छे से पका लेंगे।
आप देख सकते हैं एकदम अच्छे से पक चुका है हमारा, गोल्डन ब्राउन हो चुका है। आप देख सकते हैं ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे, इसका जो तेल है एक्स्ट्रा वो छान करके हम इसे निकाल लेंगे। चलिए अब हम चलते हैं सर्व करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ये टेस्टी बनकर तैयार हुआ है। तो आप अपने घर पे इसे बना सकते हैं और ये हेल्दी भी है, ऑयली तो है बट थोड़ा हेल्दी भी है क्योंकि इसमें सारी सब्जियां हमने मिलाकर इसे बनाया है। तो आप एक बार इसे ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी ये बनकर तैयार हुआ है। तो हम आपको एक पीस इसका कट करके दिखा देते हैं, इस तरीके से आपको कट करके दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ये टेस्टी लग रहा है देखने में, बहुत ही यम्मी। आप इसे टोमेटो केचप के साथ सर्व कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह में काफ़ी ज़्यादा ये टेस्टी लगेगा खाने में। बच्चों को भी पसंद आएगा, जो पत्ता गोभी नहीं खाते उनको भी पसंद आएगा।